सत श्री अकाल, मैं भाग्यश्री, तुसीं देख रहे हो फटाफट न्यूज़, यानी कि तेज रफ्तार दे नाल। रुक करदे हां पहली ते अहम खबर दे नाल। आम आदमी पार्टी दी नेता दिल्ली दी मंत्री आतिशी ने अज दावा किया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं कथित आपकारी दे नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच पुछगिछ पड़ताल तो बाद 2 नवंबर नूं गिरफ्तार कर सकता है। उन्होंने यह भी दोष लाया है कि भाजपा पार्टी के आगुआ नूं जेलां दे विच पा के इस नूं खत्म करन दी कोशिश कर रही है। श्री केजरीवाल नूं काले धन नूं सफेद करन तो रोकू कानून PMLA दे जिहड़े कि तहत समन जारी किया गया है अते सूत्रां अनुसार ईडी 2 नवंबर नूं सवेरे 11 बजे उसके दिल्ली दफ्तर दे विच पेश होने तो बाद मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। यह पहली बार हो सकता है कि जो ईडी ने केजरीवाल नूं समन भेजा है। केंद्रीय राज ब्यूरो CBI ने अप्रैल दे विच इस मामले दे विच उन्हां तों पुछगिछ पड़ताल कीती सी। मंत्री आतिशी ने अजे इत्थे जिहड़ी कि अज प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदे होए कहा है, दावा कीता है कि भाजपा आप नूं निशाना बनाउण लई इहनां चालां चल रही है क्योंकि उह जाणदी है कि चोणां च केजरीवाल नूं नहीं हराया जा सकता। इजराइल फौज उसके टैंक अते बख्तरबंद वाहन गाजा के अंदरूनी हिस्से दे विच पहुंच गए ने अते हमास दे अतवादियां दे वल्लों बंदी बनाई सैनिक नूं रिहा करवाया गया। इजरायली बलों द्वारा हवाई हमलों राही हस्पतालों के आले दुआले के खेतर नूं भी निशाना बनाया गया जिथे हजारां जख्मी फलिस्तीन शरण लै रहे सन। कनेडा के पत्रकारी आपदी भाईचारे के वलों अज इत्थे पत्रकारी ते साहित्यक खेतर की बहुपक्की शख्सियत सुरजन सिंह जीरवी नूं सेजल अखां नाल विदायगी दी गई है। अफगानिस्तान ने अज इत्थे एक रोजा विश्व कप क्रिकेट मैच के श्रीलंका 7 विकटों हरा के सैमी कॉलम के पहुंचने अपनी उम्मीदा बरकरार रखा। दस दिए कि अफगान टीम की यह लगातार दूजी ते टूर्नामेंट के तीजी जीत है। दर्जन के करीब मामलों के लोड़ींदा गैंगस्टर पुलिस मुकाबले दौरान गोली वजन नाल जख्मी होने तो बाद CBI स्टाफ ने काबू कर लिया। इस दौरान उसका साथी गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर सुभाष उर्फ बासी की लत के गोली लगन कारण उसनों स्थानक सिविल हस्पताल के भर्ती करवाया गया जदों कि उसके साथी तो सेवक सिंह जिहड़ा कि उस तो पुछगिछ की जा रही है। हवा की धीमी रफ्तार अते मीह की उदासीनता ने अक्तूबर महीने नूं दिल्ली NCR के लोगों लई दम तोड़ दिता है। अज यानी कि 31 अक्तूबर नूं सवेर तो ही पूरी दिल्ली NCR के जहरीले धुएं की जहरीली अजिही चादर छाई हुई है कि हर पासे धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। अज दोपहर 1 बजे कई इलाकों का हवा गुणवत्ता सूचक जिहड़ा कि अंक 400 नूं पार कर चुकिया है तो इन्हां दे विच सोनिया विहार का नंबर जिहड़ा कि सब तो वध सी। सुप्रीम कोर्ट के वलों दिल्ली के साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पटीशन खारिज किए जाने मगरों दिल्ली के सियासत मुड़ गरमा गई है। इस दौरान आगू आतिशी ने अज जिहड़े कि इत्थे कहा है कि उन्होंने पार्टी के वलों पार्टी अते आगू सुप्रीम कोर्ट का सन्मान करते हैं पर साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पटीशन रद्द करने उसके आदेश नाल सहमत नहीं हैं अते कानूनी बदल लभणगे। सिसोदिया झटका देंदे हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले नाल संबंध भ्रिष्टाचार अते मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के उन्होंने नियुक्त जमानत पटीशन रद्द कर दी है। इस मगरों इत्थे प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिआं आतिशी ने कहा है कि जांच एजेंसियों खिलाफ तिखियां टिप्पणियां करन दे बावजूद अदालत ने विरोधी हुक्म दिते ने। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा सी कि ईडी का पूरा मुकदमा सिर्फ दिनेश अरोड़ा के बयान से आधारित है। केरल पुलिस ने केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ नफरत भरे बयान देने दे दोष FIR केरल पुलिस ने कोची धमाकों को लेकर सोशल मीडिया से मंत्री से ताज़ा बयान उत्ते मामला दर्ज किया है। उसते सूबे दे मलपुर जिले च इस्लामिक समूह दे वलों आयोजित एक समागम च हमास नेता दे संबोधन दे संबंध च नफरत भरे बयान देने का दोष है। पुलिस ने कहा है कि केंद्रीय राज मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ कथित तौर पर जिहड़े कि वख-वख समूहां विचकार दुश्मनी नूं वधावा देण वाले बयान देण दे जिहड़े कि दोष दे विच उन्हां दे उत्ते मामला दर्ज किया गया। अज दे लई इन्ना ही ते मैनूं दो